आप देख सकते हैं इस वाले हिस्सा का पूरा सफाई कर दिया गया था, लेकिन देखते नीचे फिर जो कि माँ गंगा के लिए सर बढ़ चुका है, जिसके कारण ये घाट देखिए फिर से डूब गया है। आप देख सकते हैं, और आपको बता दूं कि माँ गंगा 5 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इसमें बढ़ रही है। चाहिए ले चलता हूँ आपको नीचे, और नीचे से पूरा नज़ारा दिखा दो, वीडियो बने रहिएगा। आपको बता दूं कि एक हफ्ते इस घाट की पूरी सफाई कर दी गई थी, अब पूरा जो कि यहाँ से मलबा हटा के इसको क्लीन कर दिया गया था, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए फिर से माँ गंगा का जल स्तर बढ़ा हुआ है और घाट फिर से डूब गया है। और इधर आप देख सकते हैं चारों तरफ पानी पानी इसमें दिख रहा है, और माँ गंगा उफान पर भी इस समय है। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे ठीक सामने गोवर्धनधारी मंदिर है, और उधर आपको दिखाओ तो उधर आपका खिड़किया घाट फेस्टिव का कार्य चल रहा है। ताये नीचे चलते हैं, आपको नीचे से पूरा नज़ारा दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे ठीक सामने नमो स्टेचू है, और इस समय आपको दिखा दूँ तो देखिए पूरा घाट इस समय खाली है। सुबह के 10:30 बज रहे हैं, और देखिए इसमें घाट काफ़ी जो कि खाली दिख रहा है इस समय। और इधर आपको दिखाओ तो इधर आप देख सकते हैं आपका खिड़किया घाट फेस्टिव का इधर कार्य चल रहा है। सामने आपका खिड़किया घाट फेस्टिव का कार्य चल रहा है, और इधर आप देख सकते हैं आपका स्विमिंग पूल है जो जेटी पे बनाया गया है। तो आइए आगे चलता हूँ, आपका पूरा बाढ़ का नज़ारा दिखाता हूँ, तो वीडियो बने रहिएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, देखिए नीचे का पूरा जो घाट की अब डूब गया है, नहीं तो पिछले 3 दिन पहले यह घाट पूरा क्लीन कर दिया गया था, और यहाँ से देखिए पूरा जो कि मलबा हटा दिया गया था, लेकिन आप अब देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए माँ गंगा का जल स्तर जो कि फिर से बढ़ गया है, जिसके कारण नीचे का घाट जो कि पूरी तरीके से डूब गया है आपका, आप देख सकते हैं। और सामने आप देख सकते हैं माँ गंगा, देखिए माँ गंगा में भी इसमें जो कि बहाव तेज हो गया है, और माँ गंगा देखिए इसमें धीरे धीरे जो कि उफान पे हो रही हैं, आप देख सकते हैं। देखिए सामने आप देख सकते हैं वो सीढ़ी भी आपका जो कि डूब गया जो नीचे घाट पे जाता था। और इधर का आपको नज़ारा दिखाओ तो इधर आप देख सकते हैं, देखिए इधर आपका पूरा जो कि इधर भी डूब गया है। दोस्तों आपको बता दूं फिर से जो कि पूरा देखिए जल स्तर बहुत तेजी में बढ़ रहा है, और लग रहा है कि इस बार जैसे पिछले एक हफ्ता पहले पानी बढ़ा हुआ था उसी तरह इस बार फिर बढ़ेगा पानी। दोस्तों आप इधर भी देख सकते हैं, देखिए इधर आपका जो कि रैम भी अब डूबने लगा है धीरे धीरे। तो आइए आगे बढ़ते हैं, आपको आगे का नजारा दिखाते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं मैं आपको नीचे से आके नज़ारा दिखा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं देखिए माँ गंगा का जल स्तर देखिए यहाँ तक आ चुका है, और धीरे धीरे ये देखिए सीढ़ियों की तरफ से ऊपर की ओर बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं हमारे टिकसान में नमो स्टेचू है, और उसके नीचे उसके जस्ट नीचे जो आपका घाट है वो उसमें देखिए बाढ़ में जो कि डूब चुका है, और माँ गंगा दोबारा फिर से बढ़ी है, जिसके कारण देखिए नीचे का पूरा जो कि आपका घाट डूब चुका है, जलमग्न हो चुका है। और देखिए यहाँ पर काफी लोग भी आए हुए हैं, सेल्फियां ले रहे हैं। तो आपने हमारे पिछले वीडियो में देखा होगा, तो हमने यहाँ आपको दिखाया था कि इस सीढ़ी के नीचे तक पानी है, लेकिन आज देखिए कि आपका ये सीढ़ी पूरा डूब चुका है, और माँ गंगा आगे बढ़ चुकी है, और आगे बढ़ के ये घाट को भी पूरा माँ गंगा डुबा दी है, आप देख सकते हैं। और सामने आप देख सकते हैं देखिए यहाँ पर रैम में भी जो कि पानी आपका घुस रहा है। और सामने आपका सीएनजी स्टेशन है, और ऊपर देख सकते हैं राजघाट मालवीय ब्रिज, इसमें ट्रेन जा रहा है उसके ऊपर से, पूरा नज़ारा लग रहा है इस समय नमो घाट का, काफ़ी शांत माहौल इसमें बना हुआ है यहाँ पर, और काफ़ी साफ सफाई भी इस समय है, क्योंकि अभी जो कि
एक हफ्ते से यहाँ पे जो कि गंगा सफाई चल रही थी, जो बाढ़ आया था उसका जो कि पूरा यहाँ पे सफाई चल रहा था, लेकिन देखिए फिर जो कि माँ गंगा का जल स्तर बढ़ चुका है। आपको दिखा देता हूँ यहाँ से भी नजारा। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं माँ गंगा, देखिए यहाँ पर रैम के अंदर भी बढ़ चली है और धीरे धीरे आपका रैम भी डूबने लगा है। और दोस्तों आप देख सकते हैं मैं इसमें नमो घाट के स्टेडियम वाले सेक्शन में हूँ और आपको वहाँ का नज़ारा दिखा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर जो कि पूरे घाट को एकदम क्लीन कर दिया गया है और यहाँ पर जो कि आपका इस बार गंगा महोत्सव भी होने वाला है 5 अक्टूबर से। तो आइए आगे चलता हूँ, आपको आगे का भी नज़ारा दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इधर भी आपका जो कि पूरा घाट डूब चुका है और आपके सामने सीएनजी स्टेशन है। आपको बता दूं कि इसमें घाट पर 3 फुट पानी ऊपर चढ़ा हुआ है। और दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपका जो कि कंप्रेसर मशीन रखा गया है और इसी मशीन द्वारा जो कि पूरा जो कि घाट की सफाई की जा रही थी, लेकिन देखिए इसमें सफाई के कार्य को भी रोक दिया गया है क्योंकि आप देख सकते हैं नीचे पूरा बाढ़ आ चुका है। आप देख सकते हैं पूरा घाट जो कि आपका क्लीन हो गया था, बस आपका सामने वाला थोड़ा सा ही हिस्सा बचा था और वहाँ पर भी सफाई चल रहा था, लेकिन देखिए जो कि माँ गंगा का जलस्तर बढ़ चुका है जिसके कारण सफाई का कार्य रोक दिया गया है। आप देख सकते हैं, देखिए सीएनजी स्टेशन जाने के लिए देखिए यहाँ पे जेटी का भी निर्माण किया गया है। तो आइए आगे बढ़ते आपको आगे का नजारा दिखाते हैं। ऊपर का घाट पूरा क्लीन कर दिया गया है और नीचे का भी घाट आपका क्लीन होने ही वाला था, तैसे ही माँ गंगा का जल अचानक जो कि बढ़ चुका है। आप देख सकते हैं, देखिए बस यहाँ ये सामने थोड़ा सा ही हिस्सा आपका जो कि साफ करने के लिए बच गया था और माँ गंगा का जल स्तर देखिए बढ़ गया, पानी यहाँ तक आ गया है, इसीलिए देखिए जो कि सफाई का कार्य रोक दिया गया है। और दोस्तों हमने अपने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था कि इसके 4 सीढ़ी नीचे तक माँ गंगा आई थी, लेकिन इसमें देखिए माँ गंगा वो भी पूरा 4 सीढ़ी डूब गया है और माँ गंगा देखिए ऊपर तक आ गई है यहाँ तक। और दोस्तों आपको बता दूं कि लाखों की लागत से इस घाट को सफाई किया गया था, सब बर्बाद हो गया है, अब फिर से इसकी जो कि सफाई की जाएगी, फिर से आपका जो कि लाखों रुपया लगेगा। आप देख सकते हैं और सामने आप देख सकते हैं राजगढ़ मालवीय ब्रिज, देखिए माँ गंगा की देखिए इस समय जो कि बहाव भी तेज हो गया है। दोस्तों आप देख सकते हैं मैं इस समय राजघाट पर मौजूद हूँ और आपको वहाँ का नज़ारा दिखाने जा रहा हूँ, तो वीडियो बने रहिएगा। तो दोस्तों आपको इधर से नज़ारा दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं, देखिए सामने ये पूरा आपका घाट जो कि डूब चुका है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैं इस समय राजघाट पर मौजूद हूँ और आपको वहाँ का नज़ारा दिखा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं आपका सामने ये पूरा घाट इसमें जो कि 2 दिन पहले दिख रहा था, लेकिन आज आप देख सकते हैं कि ये घाट पूरा डूब चुका है। आप देख सकते हैं इसे भी जो कि पूरा क्लीन कर दिया गया था, यहाँ से पूरे मलबे हटा दिए गए थे, लेकिन देखिए अचानक फिर जो कि माँ गंगा का जलस्तर बढ़ने के कारण देखिए ये घाट फिर से डूब गया है और माँ गंगा ने फिर से इसे अपने आगोश में ले लिया है। दोस्तों तो आप देख सकते हैं पूरा देखिए घाट इसमें जो कि जलमग्न हो चुका है, आप देख सकते हैं सामने तक के जो कि पूरा जल से डूब चुका है। तो आप यहाँ से भी बाढ़ का नज़ारा देख सकते हैं, देखिए यहाँ ऊपर आपका जो कि घाट क्लीन कर दिया गया है और नीचे का घाट आप देख सकते हैं इसमें जो कि जलमग्न हो चुका है। आप देख सकते हैं नीचे का पूरा घाट जो कि माँ गंगा ने अपने आगोश में ले लिया है और आपको बता दूं कि माँ गंगा जो कि दिन प्रतिदिन जो कि बढ़ोतरी पर है और आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए सामने आपका जो कि लहरें भी चल रही हैं, काफी तेज बहाव भी हो चुका है माँ गंगा का।
तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नया तो चैनल सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जा दीजिए, हर हर महादेव।